जोधपुर में रात के बवाल के बाद सुबह भी वहां पर परिस्थिति ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि अब भी वहां पर बवाल की तस्वीरें आ रही हैं। लोग वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके साथ भिड़ रहे हैं, जिनको खदेड़ने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। लाठी डंडे बरसाने पड़े हैं, क्योंकि यहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति थी, दुकानें बंद थी, इसके बावजूद यहां पर लोग जमा हुए। ईद की नमाज के बाद यहां पर भारी भीड़ देखने को मिली, उसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। आपको बता दें, कल देर रात जोधपुर में ईद के लिए लाउडस्पीकर और झंडे लगाने को लेकर बवाल हुआ था, और आज भी उसी तरह की स्थिति ना पैदा हो से लेकर रात से ही वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद वहां पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए नमाज के बाद, और पुलिस बल ने देखिए कैसे उन्हें खदेड़ा। ये सख्त एक्शन पुलिस कर्मियों की ओर से जोधपुर के उसी इलाके में जहां पर कल देर रात बवाल हुआ था। आज सुबह फिर पथराव पुलिस वालों पर किया गया। दरअसल ये विवाद झंडा बैनर हटाने को लेकर शुरू हुआ, उसके बाद आज सुबह भी बवाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जोधपुर का वही इलाका है जहां पर कल भारी तनाव के बाद रात 1 बजे से ही इंटरनेट बंद कर दिया गया था। ईद के मौके को ध्यान में रखते हुए पहले से ही यहां पर सुरक्षा सख्त थी, लेकिन बवाल के बाद और ज्यादा पुख्ता यहां की सुरक्षा कर दी गई है, तभी आप यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल देख पा रहे हैं, और पुलिस को लाठियां भांगनी पड़ी हैं नमाज के बाद इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि पुलिस बल पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। जलौरी गेट का वही इलाका जहां पर कल देर रात बवाल हुआ, उस वक्त की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और आज सुबह की ताजा तस्वीर देखिए, जब इसी इलाके में एक बार फिर से पत्थरबाजी हुई और लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस बल को लाठियां भी भांगनी पड़ी। कल रात को आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल पुलिस बल द्वारा किया गया, क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे थे, और यही ध्यान में रखते हुए पुलिस बल को सख्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर करने पड़े। नमाज के बाद आज एक बार फिर से पथराव की स्थिति उसी जलौरी गेट चौराहे पर।